नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके 2 रिजल्ट आए हैं और 4 रिजेक्शन नोटिस आए हैं। जो आपके रिजल्ट हैं वो मैं बता रहा हूं पूरे एनालिसिस करने के बाद में, ठीक है। सबसे पहले आपका रिजल्ट आया है फिजिकल एजुकेशन टीचर, 90/17 पोस्ट कोड है। इसमें आपकी टोटल पोस्ट थी 919, UR की 465, OBC की 244, SC की 141, ST की 69। इसमें बच्चे एक्टिव हुए 8,413 और 965 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, जिनमें से 883 ने E-Dozier भरा, ठीक है। रिजल्ट आया इसमें 725 बच्चे पास हुए, UR के 449, OBC के 113, SC के 138 और ST के 25। पेंडिंग है UR के 34, UR के 16, OBC के 14, SC के 3 और ST का 1, ठीक है। और इसमें जो पेंडिंग बुलाने के बाद में अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो UR की पूरी सीट भर जाती हैं और ST की पूरी सीट भर जाती हैं, लेकिन OBC की 117 सीट बच जाती हैं और ST की 43 सीट बचती हैं। टोटल मिला के 100 सीट खाली रह जाती हैं। वेटिंग पैनल इसमें भी बना हुआ है। अब इसका रिजेक्शन नोटिस, जैसे मैंने बताया था पहले 82 लेफ्ट हुए हैं E-Dozier भरने की वजह से, वो रिजेक्ट हुए हैं। UR 42, OBC 8, SC 16, ST 6। फिर जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उसकी वजह से जो रिजेक्ट हुए हैं वो जनरल के 4, OBC के 13 और SC के 3 और ST का 1। ये है रिजेक्शन नोटिस इसका, फिजिकल एजुकेशन टीचर 90/17। अब दूसरा रिजल्ट आपका बहुत बड़ा रिजल्ट है, TGT नेचुरल साइंस फीमेल, पोस्ट कोड 136/17। इसमें टोटल 194 पोस्ट थी, UR 112, OBC 33, SC 32, ST 17, PH 6। एपियर हुए इसमें 9526, 9526, शॉर्ट लिस्ट हुए 414, जिसमें से 369 ने अपलोड किया E-Dozier। रिजल्ट आया, पास हुए 180, UR 103, OBC 27, SC 30, ST 16, PH 4, पेंडिंग में है 14। तो ये पेंडिंग मिला के पूरी सीट हो जाती है, इसमें कोई सीट लेफ्ट नहीं है। रिजेक्शन नोटिस में क्या हुआ, जो जिन्होंने E-Dozier नहीं भरा वो रिजेक्ट हुए हैं, UR 13, OBC 3, SC 4, ST 4। जो जो डॉक्यूमेंट्स हुए हैं रिजेक्ट हुए हैं, UR 14, OBC 6, SC 3, ST 2। इस तरह से ये 2 रिजल्ट और इनके 4 रिजेक्शन नोटिस आए हैं जो मैंने बताए हैं। फिर कोई अच्छी न्यूज आएगी तब फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।